छोड़, बाहर आओ। सब छोड़ दिया मैंने, I swear, दूध का पैकेट भी नहीं चुराया, चेक कर लो। आयुष को जानते हो हैंसम? पता है स्कूल में आज मैंने बाय मिस्टेक उसे पिप्पी करते हुए देख लिया। सारे स्कूल में गॉसिप फैल गई कि आई लाइक आयुष। स्टूपिड बॉयज, आई डोंट लाइक देम। वो लोग कितना मस्ती करते पता है? कितना रूड है। ₹500? 250 अभी बाकी है। लेकिन मैंने इसमें नए सॉन्ग्स डाल दिए हैं। सॉन्ग्स? शोर है। मिनी पाय। रुको। अकाउंट सेटल्ड। फिश? I love fish curry. ये पता है कौन है? ये कौन है? ये सेंट मरिया, the patron saint of orphans. कैसे? इन पैसों का क्या करोगे? धैंडरन नेल आर्ट्स, अपना नेल पार्लर खोलूंगी। मेरी स्कूल की सब बड़ी बड़ी गर्ल्स मेरे पास आती हैं। तुम्हारे भी नेल्स करूं? आजकल बॉयज भी ट्राई कर रहे हैं। तुम गैंगस्टर हो क्या? सब कहते हैं कि तुमने कोई क्राइम किया है और अब यहाँ छुपे हो। मेरी मम्मा ने भी मुझे वार्न किया है। और तुम क्या कहती हो? मुझे नहीं लगता। नायोमी, बाहर आ जल्दी। मम्मा, मत बताना, नहीं तो मेरी फिश करी गई। हैंसम, नायोमी है अंदर? नहीं। लेकिन मुझे तो अंदर से आवाजें सुनाई दी। ज्यादा ड्रग्स लेने से अक्सर ऐसा होता है। हाँ, वेरी फनी। फिर पूरा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ हैंसम। You know I don't like this. Naomi, मुझे पता है तुम अंदर हो। Naomi, बाहर आओ जल्दी। Handsome, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। Naomi को entertain करना बंद करो। What the hell? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? दरवाजा खोल। Oh, नहीं है। Sorry. Anyways, कुछ पैसे चाहिए मुझे। I promise, मम्मा के फ्रेंड जैसे चले जाएंगे मैं चली जाऊंगी। तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें क्या बोलते हैं? हैंडसम। और मेरा निकनेम क्या है पता है? नहीं बताती। डस्टबिन। आंट नोरा ने बताया
मामा ने जोश में डस्टबिन को लात मारी और मैं उनके पिट्टू में आ गई। इसलिए मेरा निकनेम डस्टबिन है। फनी है ना डस्टबिन। इतना अच्छा नहीं है, मटेरियल नहीं था ना, बट आई होप तुम्हें क्यूट तो लगेगा। अपनी मम्मी का नंबर बताओ। आंसर मी मैम प्लीज। अरे पता नहीं गोवा में क्या हो गया, जहां देखो बस यही कचरा। घूरो मत, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है। हा? बेटा बताओ आपने इनका बैग चुराया है? चुराया नहीं था, मैं तो बस अपने स्कूल बैग से कंपेयर कर रही थी। लाया लाया पैंट्स ऑन फायर, इसके पास तो स्कूल बैग ही नहीं था। बेटा आपकी मम्मा घर पर है? डैडी देखो माँ बाप का भी पता नहीं है। हाँ बेटा डैडी वो आपकी डैडी है। एक्सक्यूज मी सर। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, गुस्सा उन पे, इसीलिए कहा था चोरी मत करो। एक्चुअली उसने मुझे पे करने को कहा था। नेवर माइंड, बचपन में गलतियां करते हैं फिर अपने आप सीखते हैं। सिर्फ पैदा करने से ड्यूटी खत्म नहीं होती। हमेशा अकेले देखा है उसे, उसको अपना वक्त दो, उसके साथ आया करो जैसे बाकी डैडी जाते हैं, एंड शी विल बी फाइन। मेरा MP3 प्लेयर दो।
हैंडसम, देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये लो, बहुत प्रेशियस है, सबको बचाता है। अगर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हैंडसम, शर्म आई ना बताने में कि तुम मुझे जानते हो, सब प्रिटेंड करते कि मुझे नहीं जानते। मेरे स्कूल में भी मम्मा ने भी कहा, अगर कभी रास्ता भूल जाओ तो फोन नंबर और एड्रेस भी भूल जाना, वापस घर मत आना। जब बहुत ड्रिंक करती है तो कहती है कि हम दोनों को मर जाना चाहिए। मैं उस मोटी पर गुस्सा नहीं थी, उसने तो सिर्फ मुझे मारा, लेकिन तुम तो उससे भी बुरे हो। लेकिन मैं तुम्हें हेट नहीं कर सकती, अगर मैं तुम्हें हेट करूंगी तो पूरे वर्ल्ड में लाइक करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं ना। मैं तुम्हें हेट नहीं कर सकती। बाकी सब उतार दिया। चाहिए क्या? गोवा साफ चाहिए। ड्रग्स नहीं, क्राइम नहीं, कचरा नहीं, फॉरेनर्स का वीजा खत्म होने के बाद रुकना नहीं, बाकी बातें यहाँ करें कि ऑफिस में। बातें बहुत कर ली सर, सीधा काम शुरू करते हैं। हराम खोरों की लंबी लिस्ट है। गोवा में ड्रग्स का मतलब है मानतू। माल लाने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला और पेडलर्स का पूरा रैकेट संभालने वाला यही है। ये फुटबॉल है। मांतू का बाया हाथ। सिर्फ खाल मोटी है, अकल नहीं। मांतू का मेन बिजनेस यही संभालता है। एडविन, इसको सिर्फ हम लोग जानते हैं। ये स्ट्रीट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है, लेकिन हर दो नंबर के धंधे की जानकारी रहती है इसको। फरेरा ब्रदर्स, लूक और केविन, मांतू के साथ कुछ लिंक्स हैं इनके। कोई कोई डील्स करते हैं साथ में। ये दोनों भाई पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं। ये अटीला है,
थाई बॉडीगार्ड है उनका, इनका कचरा यही साफ करता है और इतनी सफाई से कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। चेन्नई में इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो डॉक्टर जयराम अरेस्ट हुआ था, उसने अपने कन्फेशन में दोनों भाइयों का नाम लिया था, लेकिन बाद में उसने अपना कन्फेशन विड्रॉ कर लिया और दोनों भाइयों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ओवरस्टे करने वाले और वीजा एक्सटेंड करने वाले टूरिस्ट आजकल एक और कार्टेल का शिकार हो रहे हैं। पॉन्स हाउस में चीजें गिरवी रख के या बेच के वो दो एक दिन और गुजार लेते हैं गोवा में। जब पैसा वापस नहीं कर पाते तो ये फॉरेनर्स बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं और पॉन शॉप ओनर्स और लोन शार्क्स के कहने पर ड्रग कार्टेल के लिए काम करना शुरू कर देते हैं या ऑर्गन हार्वेस्टर्स को किडनी बेच देते हैं। ये कुछ और छोटे छोटे कार्टेल है सर, बच्चों से भीख मंगवाने वाले, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग। और एक नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है, कार्ला आंटी। ये आंटी छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाती है और हम लोग ये आंटी अंकल के लिस्ट बनाते रहते हैं। हम जर्नलिस्ट नहीं हैं, पुलिस वाले हैं संगोटकर। सर पुलिस वाले इससे तो हाथ बंधे हुए हैं, कभी आदमी की कस्टडी नहीं मिलती तो कभी सबूत नहीं मिलता तो कभी कोर्ट कन्फेशन नहीं मानता। सर सफाई चाहिए तो केस वाटर टाइट होने चाहिए और हाथ खुले। खोल दिए समझो, आगे कोई भी कॉन्फ्रेंस मेजर अरेस्ट और कन्विक्शन के बाद ही होनी चाहिए। एक महीना, सिर्फ एक महीना सर। हेलो सर, टीप लेके गया बेटर। अरे यार तुम लोग चलो। यस सर, चला रे। ओके हेलो अमीर। नाम नहीं सुना क्या? नहीं। पितले आगे से याद रखना। चल हेलो। हाँ माल मिल गया। हाँ लेके आ रहा हूँ। हाँ सर, फुटबॉल निकल रहा है सर। लेकिन वेटर तो आया नहीं बाहर। सर लेकिन ये तो आ रहा है ना। तुमने उस वेटर को बैग उठाते हुए देखा तो था ना। सर अभी हाँ बोलने के लिए भी टाइम नहीं है, ये भी गया तो गेम खत्म। सर बोलिए जल्दी क्या करूं। पंक्चर कर दे। खाता क्या है बे? निकल गया साला, एक महीने की मेहनत पे मुत गया। इसकी माँ का गुस्सा गेंडे के लिए बचा के रखो, पिटेगा तो बताएगा माल किधर है। ऐसे बैट ऐसे ऊपर से नीचे आनी चाहिए, नहीं तो बॉल ऊपर जाती है। कहीं भी बोल रहे हो यार, कुछ याद नहीं। आदमी मर भी सकता है। कितनी बार बताओ, वापिस वही बताओ। पहनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत। इसे क्यों गुस्सा रहे? गुस्सा मुझे आना चाहिए ना, इसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ। तू समझा इसको? आज तक गोवा में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझ पे हाथ डाल सके। मजा आया योनर सुनने में? मांतू से बोल देना उसका टाइम भी आ गया है योनर सुनने का।
लेकिन सुन के वो बाहर नहीं आएगा, अंदर जाएगा और वहां से सीधा ऊपर। कहना उसे अब वहीं जाके कंस्ट्रक्शन करें। सारा माल घुमा दिया, तेरे को क्या लगा रे केविन? मां तू शेरलॉक होम्स को भेजेगा माल ढूंढने के लिए? ये दूसरा ला रे, गंदा हो गया है, अनलकी है। केविन ने सेल्फ गोल मार दिया है, है? मंतू बच्चे लोग पता लगा रहे, जो भी थे मिल जाएंगे। मंतू बच्चे लोग ढूंढ रहे हैं, मंतू मिल जाएगा। देख केविन, 1 करोड़ लोग इंडिया में चरस और अफीम फूंक रहे हैं, मेथ की मार्केट भी मजबूत है और 10 लाख लोग हीरोइन और ब्राउन शुगर यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का आंकड़ा है। और गवर्नमेंट का आंकड़ा, इसका मतलब कम से कम 40-50 लाख लोग ब्राउन शुगर और हीरोइन यूज कर रहे होंगे। अब सोच, इतनी बड़ी मार्केट है और इसकी शुरुआत तूने कैसे की? सैंपल घुमा के 3 दिन रोक सकता हूं रूसियों को, उसके अंदर माल मिल जाना चाहिए, वरना तुम दोनों भाइयों की चारों किडनियां निकालकर बेच दूंगा। ढूंढ ले, ढूंढ ले टकला। कहां रखी है हेरोइन? कहां रखी है हेरोइन? हैं? हेरोइन किधर है? ट्रिप में है क्या तू अभी तक? मैं कुछ पूछ रहा हूं, हेरोइन किधर है बोल। सारा हार्ड वर्क मैंने किया तो 50% मिलना चाहिए मुझे। मरने पर तुलिया तू। देख पागल मत बन, तू जानती नहीं है किन लोगों के साथ पंगा लिया है, किनका माल चुराया हमने। साले फोन क्यों नहीं उठा रहा यार? हेलो हेलो ब्रदर। ओए खयास तू? बहुत वारा वान तू ने। अरे चल ना, बाके छील मार ना पुल पे। साले मेरी यहाँ काम पे लगी हुई है और तू वहां बैठ के गर्द सूंघ रहा। इजी इजी ब्रदर, ये लक है। तू उधर मैं इधर। अच्छा सुन, उस वेटर की बत्ती बुझने से पहले उसको परफ्यूम की स्मेल आई थी। वहां पर सारी लड़कियों की नाक तो साफ है सिवाय एक के, एना। वो अर्निस की डांसर है? कुछ चाहिए हमें। साले कपड़े देख हमारे, पॉकेट मार लगते हैं तुझे। प्रॉब्लम है यहां पर,
जगह आए हो, चले जाओ चुपचाप। बट ब्रो, नहीं जा सकता मैन। वो एना ने कल तुम्हें कैमरा बैग दिया था, वो लेके जाना पड़ेगा हमको। एक दिन पे भी 15 दिन का इंटरेस्ट लगता है। 5,500 सामान उसी को वापस मिलता है जिसने गिरवी रखा हो। ऐसा रूल्स ही नहीं मालूम हमको तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? चले उठ, चलो कर करना। आओ 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 गिरवी रखने वाली हमारे पास गिरवी है हैंडसम। अब 5,500 के लिए दोनों को बाय बोलना है तो अलग बात है। हैंडल नहीं हुआ तुझसे? लुक ब्रदर, आपको देखना चाहिए था उसको। बिजली था, बिजली, वेरी फास्ट। He didn't flinch when I shot Fatso twice. तूने दो बार गोली चलाई और उसने पलक नहीं झपकी। अच्छा, ये एक बकरा तो चाहिए था। Don't hurt them. जो बोलोगे करूंगा। बस एक डिलीवरी करनी होगी कल सुबह, गाड़ी नंबर GA05JK2309। लगा अपना पोस्ट बन। ग्लव कंपार्टमेंट खोल, जिम जा। Да, конечно.
कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ और 10वें माले पे एक सैंपल फ्लैट दिखेगा, वहां मानतों के लिए पूछो। पैकेज सिर्फ उसी को देना और मेरा फोन काटते ही फोन फेंक देना। 9 बजे अर्नेस्ट चले जाना डिनर के लिए। कहा है आंटी, शेर कभी घास नहीं खाता है। अरे किसी जानवर की लाश क्यों नहीं थाली में? मांस वांस कुछ मस्त से काट दी। मांस मच्छी खाना है तो मेरे पैसे बढ़ाओ। जब देखो तब जानवर जानवर। अकेला यही एक टाइम है ना जहाँ पे करप्शन करने को दिल करता है। हाँ पितड़े पधारो वित। नहीं सर, पोझाल वित। हाँ और वो, अरे आइए आइए दरवाजो पधारो वित। पोझाल वित। चुप। पुजात्सनो पिकासा वित्सा, ठीक बोला क्या? पिकादित। बसो बसो, अकेला है ये? हाँ मानता हूँ। हिम्मत देखो रूसी की। ए रूसी। लेकिन रूसी लगता नहीं रे तू, पठान लगता है पठान। लाओ 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 लाओ, रखो रखो। ए इसको बोलना इसके लिए स्पेशली रशिया से मंगाई है, उम्मीदें पसंद आएगी। इतना वोट का रूसिया पूजा लिस्ते, इतना पूजा लिस्ते। लो ना लो ना। अरे पीता क्यों नहीं है ये? क्यों नहीं पीता तू? हाँ तेरे को क्या लगता है इसमें जहर वहर मिला है? हाँ पी ना राजा पी। मान तू तुम ही हो। क्या ये? मेरा हो गया, अब तुम्हारी बारी। कहां से आया है? ए! ए! तुमने वादा किया था, कहां है वो? क्या पकड़ा ये? किसके लिए काम? साहिबा माल मिला। केविन मंतू, एएनसी, तू मुझे फंसाएगा? चॉइस क्या है? सारा आड़वर्क मैं करूं और डील ले जाएगा तू? ना, आज के बाद सारा काम मैं खुद करूंगा। थप्पड़ खा के गया है तू, अब गोली खाएगा। मान तू घंटे का मान तू, अब गया तू। किसी मिनिस्टर एमएलए की चाट के भी अब तेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर जान बचानी है तो भाग, घंटे का मान तू। घंटे तो मान तू। रुको, ये बोटी एएनसी को डाल देना। अरे
ये डेब्यू कौन मार रहा है? नया पंटर है? कौन है, कहां से आया है, कुछ पता नहीं चल रहा है सर। मानतू के गैंग से भी कोई लिंक नहीं मिल रहा है। डेड बॉडी, वो लड़की का नाम क्या था? ऐना। उसका और मानतू का क्या कनेक्शन है? पता नहीं, लेकिन उसकी बॉडी में से सब ऑर्गन गायब है। सब ऑर्गन गायब है मतलब? मतलब किडनी, लीवर, आंखें, स्किन टिश्यूज, बॉडी का जो ऑर्गन बिक सकता है सब ले गए। मानतू ऑर्गन हार्वेस्टिंग में कब से घुस गया? ये उसका बिजनेस तो नहीं है? देखते हैं कुणाल क्या पता लगाता है। ये देखिए सर, ये मुझे फ्लश टैंक में मिला। आधे ग्राम से क्या होगा? बाकी तो ले गए ना। कबीर अलाउद नाम है काले सूट का, पास में रहता है, एक पॉन शॉप चलाता है। ना ड्रग ऑफेंस का रिकॉर्ड है, ना कोई ड्रग्स लिया है, यूरिन टेस्ट साफ है। 2008 में पॉन शॉप रजिस्टर हुआ, पैन कार्ड सब है, लेकिन एक बात अजीब है। क्या? 2009 से पहले इस इंसान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। लगता है 30 साल का पैदा हुआ। यह रिकॉर्ड गायब करना कौन सी बड़ी बात है? गोवा से बाहर तो होगा। थॉरो इन्वेस्टिगेशन करो और इसका मानतू से लिंक ढूंढो। सिर्फ नारकोटिक्स का नहीं, मर्डर का केस है। ओके सर। देखो इसे, नाक के अंदर की नस पड़ गई थी उसकी। मतलब पता है इसका? उसकी आंखें निकाली तब उसका दिल धड़क रहा था। उसकी खोपड़ी खोली तब भी जिंदा थी वो। ड्रग केस तो बाद में आएगा, तो ऐसे ही साइलेंट हीरो बना रहा ना तो लंबा नहीं, ऊपर जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर सुबह से कुछ नहीं खाया। आपके लिए रशियन सैंडविच मंगाओ या फिर हमारे खाओगे? खाओगे? ये ऑनलाइन तुम्हारी हर फाइल सिक्योरिटी कोड लॉक क्यों? क्या हुआ? एक फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं इसकी। ये मानतू की फाइल है, दिलीप सर को देना। अरे वाह क्या बात है, अंदर जाने से पहले ही सरकारी खाना। एक्सक्यूज मी, हाथ खोलोगे नहीं तो खाऊंगा कैसे? पेट बुलवाता है यार। ए बुड़का, अरे ये बोला खाओ खाओ, खुल के खाओ और फिर खुल के गाओ। खोलो। आईला घाबरवलं ना आईला। साहेब लिंक मिल गया। तभी मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा फुटबॉल मानतू के इधर दिखा क्यों नहीं। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कौन है? रशियन ट्रांसलेटर। मैंने तो सिर्फ खाना मांगा था। फ्रांसिस कलिस्टो कहाँ है? उसे फोन दो। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैंने क्या किया? 7:35 फ्रैंकी ने हैंडकफ खोलने की गलती की। पकड़ उसको। Seven 37.
7:39:15 7.25 मिनट में मानतू की फाइल लेकर छू हो गया। 6 ANC वाले हॉस्पिटल पहुंच गए। फ्रैंकी की तो गर्दन गई, फलेरो को तो दांत गए, अब फलेरो और उसका 7 साल का लड़का दोनों एक जैसे ही दिखते ऐसे काफी जालिम चीज है कबीर अलावत। और वो कोड जो उसकी फाइल पर रॉ या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने लगाया? सिविलियंस की फाइल पर इंटेलिजेंस एजेंसी का कोड। टफ है ना सर? सिर्फ प्रॉब्लम ही बताओगे? एक सोल्यूशन है सर। आपको याद है बुश के टाइम पे एक बच्चे ने उसे थ्रेटनिंग ईमेल भेजा था हैदराबाद से, हम कबीर अलावत के नाम से भेजते। द अमेरिकन्स वुड वांट टू लुक इनटू हिज फाइल। रिक्वेस्ट आएगी फाइल पे लॉक हटेगा, आईपी एड्रेस यहाँ का है तो पुलिस से इनपुट मांगा जाएगा और इसी बीच हम उसकी फाइल पे हाथ साफ कर लेंगे। व्हाइट हाउस के नाम कबीर अलावत का पैगाम सेंड करूं या भूल जाऊं? पंगा बड़ा हो सकता है। उसको कैसे भूल सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, सब ऐना का आइडिया था, उसी ने मुझे उकसाया था। प्लीज मुझे जाने दो। आम्ही इंडियन झालो एक वेगळो प्रॉब्लेम असा मुसीबत आने का बाद सही बात करता है। उत्तराखंड फ्लड के बाद एनवायरमेंट की बात, नई दिल्ली में स्कैम के बाद करप्शन की बात, तुझ पे मुसीबत आने वाली है। उससे पहले तू क्यों नहीं कहता सही बात? मैं सही कह रहा हूं। हम दोनों, मैं और है ना 2 किलो हेरोइन चुराया। नाइस, आई लाइक। वो हैंडसम कौन है? उसका हाथ है ना तुम पर। कौन हैंडसम? बताता हूं। दिन तक गिनूंगा मैं। कोई नहीं था, कोई नहीं था। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। ये सब अलग का आइडिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सिर्फ दोनों ही थे, चल खाना खाते। डर गया था ना मैं, वार्निंग तो दे सकता था ना ब्रदर। ए, उठो। का टेंशन हो रहा है मेरे को। हाय कौन वो? पुलिस को क्यों नहीं बुलाया उसने? छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है, अब पूरा गवाह हमारा है। इधर चलो। अंदर है, जाओ। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। बच्चे को कुछ पता चला? नहीं, सब लोग मानतू को ढूंढने में लगे हुए। हेलो, मिल गया। 30s में है। किलिंग 70s में।
पता नहीं किस खुशी में हमारे सिर्फ हाथ पैर तोड़े, क्योंकि हाफ टिकट वो काटता नहीं है। मर्सीलेस असासिन, ट्रेन किलर, अ ट्रू पेट्रियट, स्पेशल एजेंट, कबीर अलावत, कोड नेम रॉकी। घंटे का मानतू, उस दिन क्या बोला तू? 3 दिन में हेरोइन का सैंपल लेकर आओ, नहीं तो तुम दोनों भाइयों की चारों किडनियां निकाल के मार्केट में बेच दूंगा। अरे लेकिन किडनी बेचने का धंधा तो मेरा है। केविन, तू मेरे सारे धंधे ले ले, सारा पैसा ले ले तू। मैं तेरे को शराब का पॉलीफिनिल माल्ट का फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे हम मेथ रिफाइन करेंगे, अरबों रुपए कमाएंगे हम उसमें से। सॉरी, सारे तू रख ले। अरबों कमाएंगे, मैथमेटिक्स। उस दिन भी तो कुछ ऐसी मैथ्स की बात कर रहा था। हाँ, इस देश में 10 लाख से ज्यादा लोग छरोसर गांजा फूक रहे हैं, मेरा नहीं गवर्नमेंट का आंकड़ा है। अब मैं तुम्हें एक आंकड़ा बताता हूं, इस देश में हर रोज 100 से 150 लोग गायब होते हैं जो कभी मिल नहीं पाते, उसमें से 10 भी मेरे हाथ लग गए ना तो महीने के हो गए 300, साल के 3,500, मतलब 7,000 किडनियां। 4 लाख का भाव पकड़ो तो 280 करोड़। स्किन टिश्यू, स्प्लीन, लिवर, पैनक्रियाज, आंखें, इनका तो हिसाब अलग। मैथमेटिक्स। और उस दिन क्या कर रहा था तू? केविन ये क्या किया, केविन तू ऐसा है, केविन तू वैसा है, केविन केविन केविन। अरे ऐसा मारता है ना तो शॉर्ट सर्किट होता है, समझा? अगर तू उस दिन ये नहीं करता तो शायद आज मैं ये नहीं करता। तेरी दोनों किडनियां निकालूंगा, उन्हें मार्केट में बेचूंगा और तुझे जिंदा रखूंगा। फिर तुझे आके उसका भाव बताऊंगा, फिर तेरी दोनों आंखें निकालूंगा, उन्हें भी मार्केट में बेचूंगा और तुम्हें जिंदा भी रखूंगा। फिर वापस आऊंगा और उसका भाव बताऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा किसका मैथमेटिक्स बेटर है। मान तो, घंटे का मान तो। This is Kabir Alawat. फाइल से हमें अभी तक काफी इंफॉर्मेशन मिली है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से रॉ में डेपुटेशन पे था। 2000 से लेकर 2006 तक काफी कोवर्ट ऑपरेशन इसकी वजह से सक्सेसफुल रहे, और 2006 से लेकर 2008 तक ये एक स्पेशल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व था। बहुत से मिलिट्री ऑनर्स और रॉ में स्पेशल कमेंडेशन मिली है इसे। ले, तेरा गारंटर आ गया। थैंक यू बोल। अबे बोलना।
अरे सू तक नहीं दे पा रही है। उसकी ट्रेनिंग एनिमी टेरिटरी में असैसिनेशन, किडनैप और स्पेशल रेड्स के लिए दी जा रही थी। अच्छा अभी कितना चुका सकते हो? अभी किसको भेजा था? मिस्टेक हुई है तुमसे, लोन देते हैं फोन नहीं बेचते। बताओगे तो मार नहीं खाओगे। अरे पुलिस वाला है तू? ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री से प्रोग्राम देखने गए एक दो ब्यूरोक्रेट्स शॉक से बेहोश हो गए। बिजनेस है अपना, एक साथ 15-20 मोबाइल लेके जाता है। किडनी विडनी का कुछ धंधा है उसका, बस इतना ही सुना है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2008 में इसका कार एक्सीडेंट हुआ। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उसका कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं। बुलेट वुंड्स, कार एक्सीडेंट में गोली कहां से चली? एग्जैक्टली, दूसरे पैसेंजर की तरह उसे सिविल नहीं मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया और मिलिट्री सर्जन के रिकॉर्ड के हिसाब से उसे गोली लगी थी, एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये आदमी है क्या? हेलो, कहाँ हो तुम? बॉस ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती, यहाँ आना पड़ेगा। अभी क्या है ना, ये जिम और हेल्थ फूड से नई जिंदगी नहीं मिलती। हम भी देते हैं, ठीक है? अरे तुम आओ तो सही, भेजा कलेजी सब मिलेगा यहाँ पर। पक्का ना? मैंने वो आदमी कहाँ है बता दिया तो मेरी पर नोट वापस कर दोगे? बस इतना बता दो कहाँ है। हाँ, बता दूंगा। वो दरवाजे से आया, पूरा ऑफिस तोड़ा, मेरे आदमी को बाहर फेंका। वो देखो, वो गन भी उसका है, इधर इधर मारा देखो चाकू से। हेलो सर, सर इनको भी बहुत ठोका। विजू नाम के किसी ऑर्गन ट्रेडर के पास गया है और दोनों फोन्स की लोकेशन सिटी क्लब है। हमेशा याद सतावे, all I know is that I came too far, हमेशा याद सतावे, I don't know what you said, all I know is that I came too far। बज रहा है तेरा सॉन्ग और तुम मेरी बाहों में हो। मुझे रुकना है नो मोर, न चाहूँ कोई एक्सक्यूज। तुम हो मेरी, मैं हूँ तेरा जुनून। फर्स्ट टाइम है यहाँ पर? सॉलिड लड़की है यहाँ पे, हॉट, इंडियन, फॉरेन। लेकिन आजकल रेड बहुत पड़ती है, कभी पुलिस कभी एएनसी। मुझे तो सुबह से ही डर लग रहा है। सॉरी ब्रदर। जोड़िया तुझे पोस्टमन फाटल्यान हुआ वर्ड्स मोरे फो दिया। बॉस, क्या यार, वो कस्टमर आया। आ रहा हूँ, बोलो उसको। आ रहे हैं।
कॉन्स्टिपेशन साला बाथरूम ही ऑफिस देख मैटर रोमांटिक है तो डिस्काउंट मिलेगा तुझे पसीना क्यों आ रहा है तुझे सर टेंशन टेंशन मत ले हेलो बाथरूम में कोई है साथ में हाँ कौन दोस्त कौन दोस्त कौन है एक बारी आ जा एक बारी आ जा एक बारी तू आ जा किसे बात करनी है सर अरे वो यही थैंक यू गलती सिर्फ एक ही बार माफ करता हूँ नयमी कहाँ है किसको भेजा कार्लांटी कौन है केविन और लूक को बताया उनके कस्टमर है तेरी तो हमेशा याद सतावे और नौ सारा खेल है ए चुप तो तूने मेरी फाड़ी दी थी हैंडसम लेकिन तुझे तो जेल में होना चाहिए ना नयोमी के मां को क्यों मारा उसे तो तूने मारा डिलीवरी करने को अग्री कर गया तू अगल बगल में देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है नयोमी के साथ भी यही किया नहीं क्या है उसके बॉडी के पार्ट्स अब तक पके नहीं है
उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। लेकिन आंखें, आंखों की कोई उम्र नहीं होती है। उसे बेच के हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। मेरी एक छोटी सी डिमांड है बस, तू 5 साल के लिए अंदर चला जा। और क्या पता 5 साल बाद जब तू बाहर आएगा तो शायद सामने उसे ही खड़ी पाएगा। कल की बात करने वाला कल नहीं मरता, कल की बात करने वाला कल नहीं रहता, कल की बात करने वाला आज मरता है। सिर्फ आज का सोचने वाले के हाथों, और मैं आज की भी नहीं सिर्फ अभी की सोचता हूं। और तुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है वो तुझे तेरी सजा बताएगी। क्या? तुम्हारी वो ईमेल वाली घटिया हरकत बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। आप इंटेलिजेंस हैं क्या? उखाड़ लिया अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेकर, ना आदमी मिला ना ड्रग्स, ऊपर से CIA ने हमारी अलग मारी। मानतू की सारी फाइल्स और बाकी सस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन हमें दे दीजिए और पीछे हट जाइए। मजाक कर रहे हैं क्या आप? कोई प्रॉब्लम है? आपको मानतू में इंटरेस्ट है या कबीर अहलावत में? दोनों मिलेंगे। केस हमने बनाया, रेड हमने डाली, 6 आदमी हमारे गए हॉस्पिटल, पकड़ेंगे भी हम ही। बीच में कोई भी आएगा तो देखूंगा नहीं कि कौन है। तुम सिर्फ इस केस के बारे में जानते हो, कबीर के बारे में नहीं। जख्मी शेर का शिकार नहीं करते। बड़वाता है बॉयफ्रेंड, अभी कबीर भी ढूंढ रहा है नायोमी को, इसने भी सुना है। ठीक से बताओ क्या हुआ? वो बहुत मारा वो दाढ़ी वाला, और वो वहां से मारा तो वो बंदूक। सर इनको बोलना ना मैंने कुछ नहीं किया है। हा? आप उनसे कबीर अलावत, नाम दिलीप सांगोड़कर, जल्दी शक्ल भी देख लोगे ANC गोवा के लॉकअप में। उससे पहले एक बात बताओ, तुम नायोमी को ढूंढ रहे हो ना? जिंदा है, CCTV ग्रैब है हमारे पास, बागा के पास एक पेट्रोल पंप के ATM से कैश विड्रॉ किया है उसने। मिलना चाहते हो तो जो जानते हो बता दो। केविन और लुक फरेरा, उन्होंने भेजा था मानतू के पास उसे फंसाने के लिए, नायोमी और आना के जान के बदले में। आना को उन्होंने मार दिया, बस इतना ही जानता हूं। लूक और केविन का वो जो डीलर है ना, एडविन, हाँ ढूंढो उसको, बागा छान मारो। पूरा बागा? ठीक है, पूरा बागा तो पूरा बागा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बागा ढूंढने में क्या है। इनको बाय बोलो। बाय। चल यहां भी बाय बोलो। बाय। थैंक यू नायोमी। देखा, इसके जैसे बिहेव करेगा तो अपने मामा पापा के पास जाएगा। चलो अगर मैं गुड गर्ल बनूंगी तो मुझे मेरे मम्मा से मिलाओगे ना? अरे काय को मार रहा है सर? कैसा है अडविन? देखा क्या इसमें? अरे कुछ नहीं है उसमें, देख रहा हूँ ना मैं। अरे
सच में कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है सर। देखो बाबा, गोवा की पुलिस अपाहिज आदमी को कैसे परेशान कर रही है। अरे अरे उसमें उसमें कुछ नहीं। लगड़े सर, अभी गाड़ी तक भाग के जा, वरना यहीं ठोक दूंगा। चल वो सब मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ ड्रग संभालता हूँ। इसे देखा है? आंखें तो है इसकी, ये मूंगी बनी होगी। मूंगी? मूंगी मतलब चींटी। माल बेचते हैं इनसे टूरिस्ट के हाथ, या पैसा लाना हो तो लेके भी आते हैं। सर इनका काम का तरीका बहुत सिंपल है। चींटी एक टॉय शॉप से कार का खिलौना उठाती है जिसमें ड्रग्स रखे होते हैं और चलने लगती है। अब क्या है ना साहब, बच्चों पर कौन पुलिस वाला शक करेगा, इसलिए चींटियां मतलब बच्चे सबका काम आसान कर देते हैं। और फिर वो खिलौना पहुंचता है गेमिंग जोन में, जो बच्चों के खेलने की जगह है। अब सर गेमिंग जोन में पुलिस चेकिंग करें ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां हमारा आदमी उस खिलौने को अपने पास रख लेता है और उसमें से ड्रग्स का पैकेट निकाल लेता है, और फिर दूसरा बच्चा आके वो ड्रग्स का पैकेट लेके आगे निकल पड़ता है। वो ड्रग्स का पैकेट पहुंचता है तीसरी जगह। ड्रग्स के बदले बैग में पुराने जूते रखे जाते हैं। असल में उन जूतों में क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो फिर से गेमिंग जोन में डिलीवर होते हैं। वहां पहले बच्चे के हाथ में क्रेडिट कार्ड्स थमाए जाते हैं और वो आगे निकलता है। बीच रास्ते में तीसरा बच्चा वो बैग उठा लेता है और पहुंचता है एटीएम। तभी क्लाइंट पुलिस स्टेशन में कार्ड खोने की रिपोर्ट लिखाता है। पैसे का निशान नहीं रहता क्योंकि कैश में कोई लेन देन होता ही नहीं ना सर। और दिन में 20-30 क्रेडिट कार्ड्स का खो जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिस पे पुलिस का ध्यान जाए। और सर अलग अलग पुलिस स्टेशंस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है, पुलिस को जरा सा भी शक नहीं होता। ए, ए रुको। तुम लोग इधर जाओ। यस सर।
पिल्लो। ये पिल्ले कितना ड्रामा करते हैं ना। ए, ताकत दे उसको। तुम क्या लेके इतरे काम कर रहा। किस खुशी में? ए, ये किसकी आवाज थी? मुसीबत के वक्त भाई भाई की आवाज नहीं पहचानता। देख, अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो मैं। ए! कभी सोचा है मरने के बाद भी भटकते हैं ये बच्चे? तूने कभी सोचा है सबका कितना बड़ा करते हैं, गरीब माँ बाप का, अमीर पेशेंट्स का, और हमारा कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। मरने से पहले माफी मांग लो उनसे। हेलो, कबीर, चले पूछा क्यों नहीं? कोई लेने आएगा
घर जाने का टाइम आ गया है। मेरी मम्मा कहाँ है? गॉड के पास। यहाँ इसी एम्बुलेंस से भेजा था उसे। मम्मी से मिलना है बेटा। चल चल। ये बोल ये चले। पता किधर है? पता नहीं सर। इधर छुपा के रखा बच्चों को। बोल रसील को फटाफट। और बच्चे किधर है? इसको मिला। चल सब मैं कुछ नहीं जानता। चल जल्दी। क्यों जा रहे सगड़े? ना चल चल। इनके सर्जन का पता लग गया। क्या लगती क्या है तेरी? उसके लिए यहां मरने आ गया? लव दाय नेबर को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आंखें, मैंने कहा था ना, बहुत पैसा मिलता है, देखोगे? खोल के देखो, शायद वो आंखें तुम्हें ही देख रही हो। सब पार्ट्स निकालूंगा और बेचने लायक कुछ भी नहीं बचेगा।
कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इधर आ जाओ ना। एड्रेस एड्रेस कहाँ से दूँ? अरे फोन कॉल ट्रेस करना फोन कॉल ट्रेस करना। आ रहे हो पुलिस आ रही है अभी। पुलिस नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो पुलिस आएगी। मारेगा बुलेट प्रूफ का कैसे बोल गया मैं? अरे खड़ा रहकर देखता क्या है? मार 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 बुलेट प्रूफ कुछ नहीं कर पाएगा तू, कुछ नहीं कर पाएगा। अब पुलिस आएगी हम एकदम सेफ हो जाएगा। बाद में तेरे को देखेगा।
उम्मीद। तूने रहम किया मुझ पे करम किया, तूने मेरी खुशी है कि मुझे रता। हर सांस है खुशनुमा, तूने रहम किया मुझ पे करम किया, हाँ कुणाल। यस सर। तुम भी जाके देखो अंदर कितनी बॉडीज हैं, क्या क्या ड्रग्स हैं, देखो तुम भी चेक कर लो। ठीक है सर। ओके गो, कम ऑन। फ्रांसिस। यस सर। डॉक्टर ने खुद क्या कैसे निकाली? सर ऑलमोस्ट सबके सब टोटल खत्म, हार्डली एक दो लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, बाकी सब। सर हाँ काम कर, बच्ची को इसके साथ मेरी गाड़ी में बिठा, तुम भी छोरी गाड़ी में। ओके सर। ऑफिसर एक आखिरी काम करने दोगे मुझे? अवेश इस बार कुछ बड़ा ही कर दिया है तुमने। उस दिन पुलिस वालों के बुलाने के बाद भी चला गया था ना मैं, आई एम सॉरी। अब देखो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है कि मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हें स्माइल करना आता है हैंडसम, मुझे तो आज पता चला। कुछ टाइम अकेले रह सकोगी, वेट कर पाओ।